दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। ये जनाना के नर्सिंग कर्मचारी हैं जो पूर्व में लगभग 15 दिन पहले एक पॉजिटिव मरीज के लेबर रूम में संपर्क में आए थे। ये सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन करने के बाद ये बिना किट के काम कर रहे थे क्योंकि लेबर रूम में इनको सस्पेक्ट करके भाई उसमें ये संदिग्ध था कि भाई ये पॉजिटिव है या नहीं है। उस परिस्थितियों में ये बिना किट के काम कर रहे थे। इनकी जांच अभी तक नहीं हुई है। जनाना अधीक्षक बार बार में अपने कार्य से दूर भागते हैं। वो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। जब भी कोई नर्सिंग कर्मचारी अपने हक अधिकार की बात करता है तो जनाना की जो अधीक्षक है डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी वो हमेशा अपने अधिकारों से और उनसे दूर भागती है। यहाँ पे जेएलएन भेज दिया। जेएलएन से जनाना जेएलएन वाले कह रहे हैं कि जनाना वाले कह रहे हैं जेएलएन जाओ। बेचारे कर्मचारी सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं। मैंने डॉक्टर अनिल जैन साहब से बात की। अनिल जैन साहब ने कहा कि इनकी जनाना होगी। मैडम को भी बात की लेकिन पूर्णिमा पचौरी मैडम का फ़ोन आया कि नहीं नहीं इनको तो ये वहीं पर कराओ, इनकी भर्ती कराओ। इस तरीक़ा से इनको बार बार में इधर उधर कराया जा रहा है। अब इन कर्मचारियों को अगर हम भर्ती कराते हैं तो जो सस्पेक्टेड हैं उनके संपर्क में आके ये पॉजिटिव होने के चांस हैं। ये कर्मचारी चाहते हैं कि इनकी जांच जनाना के अंदर ही हो और इनको भर्ती नहीं किया जाए। गंगा कितने जने हैं? ये करीबन 15 से 20 हैं जिसमें कुछ सुपर हैं जो इनके संपर्क में आए थे। वो लाखोटी धर्मशाला में भर्ती कर रहे उनको क्वारंटाइन कर रखा है। उनकी जांच भी अभी तक नहीं हुई है। इसलिए नर्सिंग कर्मचारी और वार्ड बॉय और जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी हमेशा उनको लापरवाही तरीका से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। गंगा सरन जाटव जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर। ये सब वहाँ काम करते हैं ना? जनाना।